इन्हें इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है, हिदायत साफ तौर पर जाहिर और गुमराही से अलग हो चुकी है। तो जो शख्स बुतों से एतिकाद न रखे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने ऐसी मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली है जो कभी टूटने वाली नहीं, और अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। जो लोग ईमान लाए हैं उनका दोस्त अल्लाह है, कि अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाता है, और जो काफिर हैं उनके दोस्त शैतान हैं कि उनको रोशनी से निकालकर अंधेरे में ले जाते हैं। यही लोग अहले दोजख हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो उस गुरूर के सबब से कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहिम से अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहिम ने कहा, मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, वो बोला कि जिंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूं। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, आप उसे मगरिब से निकाल दीजिए। यह सुनकर वो काफिर हक्का बक्का रह गया। और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता।